क्योंकि अगर आप भी इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो लेकिन अभी तक जो आपके इंस्टाग्राम पर पेज नहीं है, तो आपको बता दूं आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपना इंस्टाग्राम पर पेज कैसे बनाए रहे, एंड साथ में कुछ आपको ऐसी मैं शेयरिंग्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पेज बहुत जल्दी आगे जाके ग्रो भी होगा एंड आपके कोई प्रॉब्लम भी आपके पेज के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अरे तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए वीडियो को देखो लाइक, चलो वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आपको पेज बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि आप मोटिवेशन के बारे में पेज बना रहे हो या फिर शायरी के बारे में, ए टू जेड आप किस रिलेटिव आप अपना पेज बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना। अगर आप बाद में जाके कैटेगरी बार बार चेंज करोगे तो आपके पेज की ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। राइट, तो आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है एंड ये वाला वीडियो देखने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, एक और वो वीडियो देख लेना। राइट, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आप अपना इंस्टाग्राम पेज है जो जल्दी से ग्रो कैसे कर सकते हो। राइट, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ मैंने आपको लाइव प्रूफ बता दिया। राइट, तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। राइट, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पेज बनाने के लिए आपको इंस्टाग्राम के अंदर आ जाना। राइट, एंड आने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे लोगो या फिर आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मनोज चैन के। राइट, तो आप कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऐड अकाउंट का। राइट, तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको न्यू अकाउंट बनाना है। राइट, आपका यूजर नेम। राइट, तो आपको यूजर नेम डाल देना है। आपको सबसे पहले आपको बता दूँ आपको यूजर नेम ऐसे ही डालना है जैसे कि प्रोफेशनल, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए। राइट, तो आप ऐसे ही कुछ लिखना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो एंड सबसे यूनिक लिखना है, ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगा। राइट, तो टेम्परेरी लिखकर मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ जैसे कि मोटिवेशनल। राइट, मोटिवेशनल कोई GG9 लिख देता हूँ टेम्परेरी। राइट, एंड लिखने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जो अपने पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है या फिर ईमेल आईडी। राइट, तो अगर आप मैं ज़्यादातर तो आपको ये कहूँगा कि आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ऐड करने चाहिए। राइट, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए एंड आपका प्रोफेशनल आप पेज बना रहे हो रेगुलर काम करने के लिए आप ऐड कर सकते हो आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। राइट, अगर आप ऐड करना नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट साइन अप। राइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको जो फेसबुक को आपके इंस्टाग्राम पेज से लॉग इन करना चाहते हो यानी कंटिन्यू करना चाहते तो कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते यहाँ पे स्किप पे आपको नीचे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको वापस क्लिक कर देना है सेकंड नंबर पे वापस। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पेज का फोटो ऐड करना चाहते तो कर सकते हो, वो भी यहाँ पे ऐड फोटो पे, अगर आप बाद में ऐड करना चाहते तो वो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। तो स्किप करने के बाद में गाइस आपकी इंस्टाग्राम आईडी बनके रेडी होगी। राइट, अभी तक आपकी इंस्टाग्राम पेज पूरी तरह से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना एंड प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक कर देना। राइट, एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको अपना फोटो यानी कि प्रोफाइल होता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज प्रोफाइल फोटो पे आप क्लिक करके बाद में ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका नेम का पूछा जा रहा है, तो आपका नेम ऐड करना है आपका इंस्टाग्राम पेज का क्या नाम है। राइट, तो अभी मैं टेम्परेरी कोई भी लिख देता हूँ मोटिवेशन मशीन। राइट, एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे राइट पे क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी आप अगर ऐड करना चाहते हो आपकी तो वो भी यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे बायो, आपको यहाँ पे बायो भी ऐड कर देना है, इतना बायो जो ऐड कर दे। राइट, एंड ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक करना है एंड राइट पे क्लिक करने के बाद में आपका ये बायो है ये भी बन के रेडी हो गया। राइट, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहा है स्विप टू प्रोफेशनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट करेक्ट सेटिंग, तो आपको दोनों में से क्या रखना है, तो आपको कहूँगा कि आपको जो फर्स्ट वाले रखना है प्रोफेशनल अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है, कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना। राइट, तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि मेरा मोटिवेशनल है तो मैं मोटिवेशन के हिसाब से रखूँगा। राइट, तो जिससे क्या होगा बहुत ज़्यादा अगले बंदे को भी लगेगा कि बिजनेस सही बता रहा है। राइट, तो यहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। राइट, तो यहाँ पे मैं स्पीकर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल डिस्प्ले। राइट, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको डन पे क्लिक, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है अगर आप क्रिएटर हो या फिर बिजनेस के लिए आप आपका पेज बना रहे हो, तो मैं कहूँगा आपको जो बिजनेस ही बनाना है क्योंकि आप आपका आपका पेज जो बना रहे उसको बिजनेस के हिसाब से आप चलाओगे। राइट, तो आपको बिजनेस पे क्लिक एंड बिजनेस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको लेके जाएगा दूसरे पेज पे। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है और फिर आपका बिजनेस एड्रेस। राइट, एंड ये ऐड करने के बाद में अगर आप ऐड करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे करना चाहते हो बायो के अंदर तो वो आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, अगर ऐड नहीं ऐड करना नहीं चाहते तो यहाँ पे नीचे लिखा हो डोंट यूज। राइट, तो यहाँ पे क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद में वापस अगर आप
इसको फेसबुक को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद वापस स्किप पे क्लिक कर आपको यहाँ पे जो चार स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे राइट। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल राइट। आपको प्रोफाइल फोटो लगा देना है एंड उसके बाद में इन्वाइट आपको जो फ्रेंड है उनको इन्वाइट कर लेना है। अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो एंड उसके बाद टर्न नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर फोटो एंड वीडियो। आपको फोटो एंड वीडियो डाल देने राइट। जैसे कि आपको कम से कम शेयर फोटो डाल देने राइट। एंड उसके बाद में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लोर प्रोफेशनल अकाउंट टूल्स राइट। तो यहाँ पे टूल्स पे आपको क्लिक करना है। ये जल्दी से आपको मैं कंप्लीट करके आपको बताता हूँ राइट। तो भाई यहाँ पे जो मेरे चारों स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। एंड डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो व्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड करे तो आपको यहाँ पे इस टाइप का आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो समझ जाना कि आपका इंस्टाग्राम पेज है जो प्रोफेशनल अकाउंट में बन गया राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत अलग अलग लिखा जैसे कि मोटिवेशनल मशीन राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जैसे कि मोटिवेशन स्पीकर लिखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो करेगा इस टाइप का आपका शो करेगा। एंड यहाँ पे मैंने बायो भी लिख दिया राइट। आपको बायो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लिख देना जिससे आपका पेज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगे।